उमंत यादव अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल ही फैसला सुना सकती है। आज ही सीजीआई ने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ तैयारियों पर भी चर्चा की थी। विक्रांत, तो कल यानी शनिवार को ये फैसला आ सकता है ये कहा जाए? बिल्कुल किशोर, कल शनिवार को फैसला आएगा, बल्कि अब ये कहा जा सकता है, क्योंकि सुबह 10:30 बजे कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट लिस्ट में जजमेंट मेंशन कर दिया गया है कि सुबह 10:30 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला, और जो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था अक्टूबर माह में, अब वो क्लियर हो गया है कि राम मंदिर का मसला जो इतने दिनों से लंबित था, अब जाकर के कोर्ट ने जो 40 दिन की दैनिक सुनवाई की थी प्रतिदिन की, उसको पूरी करके अगर अक्टूबर में इसे रख लिया था, और आज कल सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस की कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी, सुबह 10:30 बजे। तो सुबह 10:30 बजे ये फैसला सुनाना शुरू होगा, या कितना वक्त लग सकता है, क्या अंदाजा लगाया जाए? देखिए किशोर, सुबह 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी, चीफ जस्टिस की कोर्ट और 5 जजेस की ये बेंच थी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी। और आम तौर पर जब भी कोई जजमेंट कोर्ट सुनाती है तो उसका ऑपरेटिव हिस्सा जो है वो कोर्ट पढ़ती है, और कोर्ट के क्योंकि 5 जजों की बेंच है, सबसे बड़ी बात यह कि क्या 5 जजों का सहमति का फैसला आएगा। अगर किसी का असहमति का फैसला हुआ तो वो फैसला अलग से सुनाया जाता है, वो अलग होता है, और अगर सहमति का फैसला जिन जिन जजेस का होगा वो एक फैसला होता है। अगर 5 जजेस का फैसला एक सहमति का हुआ और सभी का एक पक्ष का फैसला हुआ तो वो एक ही फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर किसी जज का असहमति का फैसला हुआ बाकी जजों से बहुमत से अलग तो उसे भी अलग से पढ़ा जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि सुबह 10:30 बजे कोर्ट फैसला सुनना ऑपरेटिव हिस्सा पढ़ना शुरू करेगी तो क्लियर हो जाएगा कुछ ही मिनटों में, और बाद में उसकी पूरी कॉपी, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि इसका जजमेंट काफी लेंथी होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी 40 दिनों की जो लगातार सुनवाई चली थी उसमें सभी पक्षों ने एक बड़ी दलीलें दी थी, उनके लंबे आर्ग्यूमेंट थे अपने अपने पक्ष में, तो उसका पूरा हवाला दिया जाएगा जजमेंट में, तो जो पूरा जजमेंट है उसको आने में समय लगेगा, लेकिन ऑपरेटिव हिस्सा कि कोर्ट ने क्या इस मामले में फैसला दिया है वो कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगा। और एक बड़ी खबर, क्योंकि बड़े दिनों से इस मामले में ये सब लोग सोच रहे थे कि कब इस मामले में जजमेंट आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट भी अब करीब आ गई है, तो और उससे पहले आज कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने बाकायदा मुलाकात की थी यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से कानून व्यवस्था को लेकर, तो अब ये क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट की कोजलिस्ट में आ गया है जजमेंट सुबह 10:30 बजे के लिए, तो ये जो लंबा इंतजार था इस जजमेंट को लेकर के वो कल सवेरे 10:30 बजे पूरा हो जाएगा। इसीलिए ये सब तैयारियां हम देख रहे थे, सुरक्षा के बारे में एडवाइजरी जारी की जा रही थी, ये सब हो रहा था, तो ये माना जा रहा था कि शायद अगले हफ्ते जो फैसला आना है उसके लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं, बल्कि ये तैयारियां इसलिए हो रही थी क्योंकि कल फैसला आ सकता है। लेकिन ये सुरक्षा एजेंसियों को तो इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल ही फैसला सुना सकती है। देखिए अब क्योंकि लिस्ट में फैसला जजमेंट आ गया है और मीडिया के जरिए भी अब ये सभी को पता चल रहा है, क्योंकि उससे पहले निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बताया गया होगा, और ये आम तौर पर जब कॉजलिस्ट में आता है उसके बाद ही पता चला है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किशोर पहले से ही पूरी तरीके से मुस्तैद थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जजमेंट अब किसी भी क्षण आ सकता है, तो उनकी तैयारियां लगातार पहले से ही पूरी, और आज भी जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी आए थे उन्होंने ये कहा था कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, और इसके अलावा गृह मंत्रालय और बाकी जो तैयारियां केंद्रीय स्तर पर वो भी लगातार की जा चुकी थी, जिस दिन से जजमेंट रिजर्व किया था उसके बाद से तैयारियां हो रही हैं, तो उस मामले में अब जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट लिस्ट में आ गया है और मीडिया के जरिए भी सभी एजेंसियों को ये पता हो गया, तो निश्चित तौर पर आज की रात उनके लिए काफी मुस्तैदी वाली होगी, और कल सुबह से क्योंकि जजमेंट आने के बाद से सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी तरह की कोई अफवाह या कोई दंगा फैलाने वाले लोग सक्रिय ना हो सके, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन सब चीजों कि पहले से ही जो प्रशासन है उसने सभी को ताकीद कर दी है कि अगर किसी ने भी अफवाह फैलाने या माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के सारे जो निचले स्तर तक के पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देश जा चुके हैं, तो पूरी तैयारी सरकार का कहना है कि उनके ऊपर है और वो किसी भी स्थिति को पूरी तरीके से काबू में रखे रहेंगे। और अब चूंकि जजमेंट क्लियर हो गया है कि सुबह 10:30 बजे जजमेंट आएगा, तो सभी पक्ष उन तक भी ये जानकारी पहुंच गई है अपने वकीलों के जरिए कॉजलिस्ट में आने के बाद, तो अब सुबह 10:30 बजे सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे रहेगी जब वो अपना जजमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। और कल वो दिन है जब करतारपुर कॉरिडोर के वाला आयोजन है और सरकारी अमला वहां होना था, सब बड़े लोग वहां जा रहे हैं, सब लोगों का ध्यान भी उस तरफ था, तो वो और वो कार्यक्रम भी नहीं टल सकता, वो दूसरे देश के साथ कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम वहां होगा और इधर फैसला सुनाया जाएगा, तो ये अपने आप में कोई चुनौती तो नहीं सुरक्षा के लिहाज से?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर किशोर, थोड़ा सा सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी मुस्तैदी उनको रखनी पड़ेगी, लेकिन पहले से ही क्योंकि ये पूरी तैयारियां थी और जो करतारपुर का कार्यक्रम है उसके लिए फोर्स की कोई कमी नहीं है। जो हमें जांच एजेंसियों का कहना है, उनका कहना है कि वो सभी चीजों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने तैयारी इस बात को लेकर के कही हुई थी कि किसी भी समय किसी भी दिन जजमेंट आ सकता है, और अब चूंकि पूरी तरीके से क्लियर हो गया। मैं रोक रहा हूँ आपको विक्रांत, हमारे साथ अजीत सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अजीत, वहां ये अभी खबर तो सब जगह पहुंची गई है कि कल फैसला आ रहा है, अयोध्या से क्या खबर आ रही है, लखनऊ से क्या खबर आ रही है? एक तो सुरक्षा की तैयारियां हैं और बाकी लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, या कुछ और खास निर्देश रात के लिए जारी किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल किशोर, आज ही दिन में प्रोसीग्रा और डीजीपी की तरफ से निर्देश दिया गया था अयोध्या के जिलाधिकारी और फैजाबाद को, और शासन की कई टीमें अयोध्या पहुंची हुई थी और इस बात के लिए सर्वे कर रही थी कि आखिर अयोध्या में क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। हालांकि 40 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स यानी 4000 जवान पहले से वहां मौजूद है, लोकल पुलिस फोर्स मौजूद है, धारा 144 लागू, और अयोध्या को पहले से ही चारों तरफ से सील कर दिया गया, चाहे हम अम्बेडकरनगर का बॉर्डर हो, आजमगढ़ का बॉर्डर हो, गोरखपुर को जाने वाला रास्ता हो, या फिर गोंडा फैजाबाद को जाने वाला रास्ता हो, सभी को रोक दिया गया। लखनऊ का जो रास्ता अयोध्या जाता है वो भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, और जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है किशोर, उनकी आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में तो अपने संस्थान का आई कार्ड दिखाएंगे, अपने विभाग का आई कार्ड दिखाएंगे, अगर आप मीडिया से हैं तो अपने मीडिया संस्थान का दिखाएंगे, और कोई भी फोर व्हीलर वाहन को अयोध्या में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अलर्ट पहले से कर दिया गया था, वहां जो आईबी की एजेंसियां हैं अलाउ हैं, लगभग 500 के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी वहां स्थापित किए गए हैं, और एक दर्जन स्थानों पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को पहले से अंदेशा था कि फैसला किसी भी वक्त आएगा। लिहाजा अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई राष्ट्रों के प्रमुख और न्यायाधीशों से मुलाकात कर रहे हैं, हम अपने मुख्यमंत्री आवास पर वहां संदेव सिंह पहुंचे हैं, पहुंच चुके हैं, और डीजीपी को भी वहां बुलाया गया, तो निश्चित तौर पर इस मसले पर अभी थोड़ी देर बाद सरकार की तरफ से कुछ फैसला या एडवाइजरी जारी की जाएगी। हालांकि जिलाधिकारी जो अयोध्या है अनुज झा, उनकी तरफ से 30 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई पक्षकारों के साथ डिबेट नहीं करेगा, और अयोध्या के अंदर जो मूवमेंट है उस पर कोई फैसला आ सकता है। एक तरीके कहा गया है कि वहां आप नहीं जा सकते, और जो मुस्लिम पक्षकार है या हिंदू पक्षकार है उनको अपने साथ आप नहीं खड़े कर सकते, तो ये सब एडवाइजरी जारी हो चुकी है। लेकिन अब क्योंकि कल 10:30 बजे का समय मुकर्रर हो चुका है देश के सबसे बड़े उस मामले को लेकर जो अयोध्या से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर अब प्रशासन और सतर्क हो जाएगा, और देर रात में और फोर्सेज वहां रवाना की जाएंगी, जो पहले से सरकार की तैयारी थी कि वहां रवाना की जाएंगी। अब ये देखना होगा कि सरकार इसको अभी देर रात तक क्या आदेश जारी करती है, किस तरीके से अयोध्या को सील बंद किया जाता है, क्या और इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये देखना होगा। कि शुक्रिया अजीत आपका, विक्रांत आपका भी। अयोध्या मामले में फैसला कल ही आ सकता है, फैसले से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से मुलाकात की। खबरें हैं कि इस मुलाकात में मुख्य न्यायाधीश ने अयोध्या में अभी कैसे हालात हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी ओपी सिंह को कुछ जरूरी निर्देश जारी किए। ये निर्देश क्या हैं इस पर फिलहाल तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरें हैं कि इस मुलाकात में सुरक्षा के इंतजामों पर चर्चा की गई। इसके बाद मुख्य सचिव आर के तिवारी ने भी भरोसा दिया कि राज्य में सुरक्षा के हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात पर वो कुछ नहीं बोले। लेवल ऑफ अरेंजमेंट क्या है सर? जो भी आवश्यक है उस लेवल की सारी तैयारी कर ली गई है। अभी आपकी मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस के साथ, तो क्या निर्देश दिए हैं या किस तरीके की बातें हुई? नहीं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अयोध्या केस में फैसला आने से पहले वहां के अधिकारी गांव में घूम घूम कर लोगों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में आने पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कोर्ट से आने वाले फैसले को देखते हुए अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी गांव में जाकर वहां के लोगों को किसी भी हाल में शांति बनाए रखने के लिए समझाते दिखे। किसी तरह का फैसला के बाद कोई विजय जुलूस ये सब चीजें नहीं होगी, नहीं निकलेंगी। ठीक, सोशल साइट्स जैसे व्हाट्सएप, जो हमारे युवा लोग हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन चीज़ों पर कोई भी भड़काऊ मैसेज जो किसी की भावनाओं को आहत करे वो नहीं भेजना है, फॉरवर्ड नहीं करना है। अयोध्या केस में फैसला आने से पहले वहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी, हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। राम जन्मभूमि जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो सभी वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है, जो लोग जा रहे हैं उनकी जो डिग्गियां हैं उसको चेक किया जा रहा है। अयोध्या केस में फैसला आने से पहले राजस्थान के सिकंदरा में पत्थर तराशने वाले कारीगरों में काफी उत्साह है।
लंबे समय से ये कारीगर राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। और अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी को करीब आता देख अब जो कल आने वाला है फैसला, कारीगरों ने पत्थरों को तराशने का काम और तेज कर दिया। तमाम जो यहाँ पर पिल्लर्स हैं, खंबे हैं, वो राम मंदिर निर्माण के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि ना केवल पुरुष कारीगर बल्कि जो महिला कारीगर हैं वो भी बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ पर आकर इस काम को अंजाम दे रही हैं। कारीगरों ने बताया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो बिना पैसे लिए राम मंदिर के निर्माण में लगने वाले पत्थरों को तराशने का काम करेंगे। यहाँ से बना करके माल भेजेंगे, हम खुद भी काम करने जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, पॉलिश करेंगे, फ्री में करेंगे, कुछ पैसा ऐसा कुछ नहीं लेंगे हम। सिकंदरा के पत्थर व्यापारियों ने इच्छा जताई कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में उन्हीं के कारीगरों की तरफ से तराशा गया पहला पत्थर लगाया जाए। तो राम लिखा गया तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जो यहाँ के कारीगर के नाम से ही लिखा गया है। हमारी आस्था भी यही है कि सिकंदरा के जो कारीगर हैं वो ही जाके उसमें कुछ करे। हमारे साथ अयोध्या केस में पक्षकार हाजी महबूब भी जुड़ रहे हैं। हाजी साहब, अब ये कल फैसला आने वाला है, ये आ गया, कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। उधर अब पक्षकारों के बीच, बाकी लोगों के बीच इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या किस तरह की तैयारी है, क्योंकि फैसला जो आ रहा है प्रशासन की तरफ से जगह जगह तैयारी की जा रही है कि फैसले पर रिएक्शन जो है वो संयमित रहे। देखिए, हम तो चाहते हैं मुल्क में अमन अमान रहे, फैसला जो भी आवे उसको सबको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, बस इससे ज्यादा और कुछ इस वक्त करने की जरूरत नहीं। ये आप कल के लिए कोई खास तैयारी कोई तैयारी नहीं, बस यही है, खुदा से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह अच्छे जो भी फैसला आवे हर आदमी उसको माने और मुल्क में अमन और चैन रहे, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें हम लोगों में आपस में तनाव पैदा हो। शुक्रिया हाजी साहब। हमारे साथ इकबाल अंसारी साहब भी जुड़ रहे हैं पक्षकार। अब अंसारी साहब, अब कल फैसला आने वाला है, आखिर ये इतने साल से चला मामला और इतने दिनों की ये सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हुई, कल फैसला है, सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से जगह जगह एडवाइजरी जारी की गई है, हमने देखा पुलिस वाले भी गांव गांव जाकर लोगों से बोल रहे हैं कि फैसले पर जो प्रतिक्रिया दें वो संयमित दें, किसी तरह के भड़काऊ मैसेज जो हैं वो ट्रांसफर ना किए जाएं, कहीं फॉरवर्ड ना किए जाएं। क्या आपको तैयारी आपकी तरफ से क्या है, लोगों को क्या कहा जाना चाहिए इस वक्त? ये हम जो है इससे पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह चुका हूँ, और सारे जो है अपने यहाँ जितने हमारे उनका सम्मान कीजिए और फैसला अपने करो, क्योंकि अंसारी साहब जाहिर सी बात है हर पक्षकार और लगभग देश का हर आदमी अपने नजरिए से इस फैसले का इंतजार कर रहा है। ये फैसला कोर्ट को करना है, देख रेख सब जो है सरकार के हाथ में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, सरकार है, यूपी जी की सरकार है, कानून का राज है, सरकार जो है कैसे देख रेख है, हमारा भी संदेश अच्छा जाएगा, कैसा सरकार ऐसा संदेश दे रही है तो हम। शुक्रिया शुक्रिया अब अंसारी साहब आपका। आचार्य सत्येंद्र दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, अब कल फैसला है और सबसे अहम बात जिस पे सबकी नज़र जा रही है, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, वो है सुरक्षा और जो फैसला आए उसे मानना। हालांकि सबको उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन ये फैसला जो इतने सालों से जिसका इंतजार था उसके बारे में लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें भी हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसी प्रकार से जैसे सबको है वैसे हमें भी अपनी उम्मीद है। मैं तो आज से नहीं, जब से रामलला त्रिपाल में पहुंचे 26 वर्षों से, तब से मुझे आशा लगी रही कि कब इसका निस्तारण हो और ये इसकी आशा कल पूरी होगी और यह एक इतिहास बनेगा, क्योंकि यह इतना पुराना केस और इतना जटिल जो आज तक किसी भी बेंच ने और किसी भी वो कोर्ट ने इसको निस्तारण करने का कोई प्रयास नहीं किया, और मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, बहुत ही सुदृढ़ हो गई है और किसी प्रकार का कोई दुर्भावना नहीं है। हम तो सभी पक्षों से यही कहेंगे कि जो भी आदेश आवे सभी लोग सहर्ष पालन करें और शांति बनाए रहें, और मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि जो आदेश आएगा जिस रूप में आएगा वो सुखद होगा।
जी जी धन्यवाद आचार्य जी। महंत कमल नयन दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत जी, कल फैसला, हम सभी पक्षों से जो बात कर रहे हैं सब कह रहे हैं कि उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति को अपने नज़रिए से इस फैसले का इंतज़ार है, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी सब लोग जो हैं वो जागरूक हैं, ये कम से कम थोड़ी सी राहत की बात दिख रही है। आपको भी ऐसी उम्मीद है? नहीं, बहुत अच्छा है, सुरक्षा भी ठीक है और यहाँ कोई अयोध्या में न कभी विवाद हुआ है न विवाद होगा और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सबको, सारे राष्ट्र को, राष्ट्रीय नहीं विश्व में रहने वाला जितना भी हिंदू समाज है सब बड़ा ही प्रसन्न है और हम यही प्रतिज्ञा कर रहे हैं कितना जल्दी से राम जन्मभूमि के पर भव्य मंदिर निर्माण का फैसला आवे और शेष हमारी तैयारी पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद मान जी। तो ये हमने सब लोगों से बात की, एक एक पक्ष जो है वो यही इंतजार कर रहा है कि फैसला जो है उनके पक्ष में आए। कल ये फैसला, अहम फैसला, ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। कल का दिन 9 नवंबर 2019 का दिन, जब सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अयोध्या केस में फैसला सुनाएगी। जल्द लौट रहे हैं हम, सौ बात की एक बात जारी है।